subscribe now and press the bell icon. सुपर अमेजिंग मूवी, आउटस्टैंडिंग है. दबंग 1-2 के कंपेयर में बहुत बहुत बेटर है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. 1-2 से बेटर है. 1-2 से मतलब 1 से तो बहुत अच्छा है और 2 से तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है. बहुत लार्ज स्केल है, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है. जो कॉमेडी रहती है आजकल के मूवी में, कॉमेडी एडल्ट जैसी कॉमेडी दिखाते लोग, पर ये जो कॉमेडी है फैमिली एंटरटेनमेंट बोलते हैं हम लोग. प्योर कॉमेडी है, नो वल्गर मूवमेंट. बहुत काफ़ी एंगेजिंग है. आपको लगेगा ही नहीं कभी 2 hours 40 minutes निकल भी जाएंगे आपके. द रन टाइम डजेंट रियली मैटर बिकॉज मूवी इतना एंगेज करके रखती है. द इंटरवल टाइम इज एक्सीलेंट. वहाँ से आपको और मतलब वहाँ से और आपको एक्साइटमेंट आएगा कि आगे क्या होगा करके. तो रन टाइम तो पता ही नहीं चलता है. तो मतलब एंड स्पेशली क्लाइमेक्स सीन भी बहुत बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. खुल जाइए. गो फॉर इट, यू विल एंजॉय. वॉच आउट फॉर किच्चा सुदीप एज वेल. हिज डायलॉग डिलीवरी इज सुपर्ब. द वे ही हैज गिवन द डायलॉग्स एंड द इंटेंस सीन्स बिटवीन सलमान एंड किच्चा सुदीप इज द वन थिंग टू लुक. दिस इज रियल फेस ऑफ व्हिच वाज प्रॉमिस्ड एंड इट हैज बीन डिलीवर्ड स्पेशली इन द क्लाइमेक्स. आफ्टर 2 इयर्स एंड इट वाज रियली सुपर्ब वॉचिंग द बोथ द सुपर्ब एक्टर्स यू नो गोइंग फॉर अ फेस ऑफ एंड द क्लाइमेक्स इज द यूएसपी ऑफ द मूवी. द डायलॉग is something else, you know, the way the Sudeep Kicha delivered the dialogue, especially in this Hindi movie, is superb. And even if you go for the pace of the movie, it's very good. You won't understand like the 2 hours 40 minutes including with the songs, you won't feel bored. There is not a single done moment in the movie. It's a very fast in a screenplay in a sense. And the scene elevations, right. There are few scene elevations in the second half we should look out for. It's quite massy. Okay, and in the second half the song Munna Badnamu has gone to make the yeah. It's going to create a havoc in the single screen. It's fire. बिल्कुल. और एक बात याद करते हैं, ये मूवी जो है उन पे रिव्यू का कुछ असर नहीं होने वाला है. पब्लिक इसको पसंद करेगी और पसंद करके रहेगी. चुलबुल पांडे गोइंग टू बी रॉक. इट वाज अ ग्रेट मूवी गाइस. Very nice. So we are fans of Salman Khan. So yeah, definitely we like all the movie, especially his dialogues and the Munna Badnam step was great. Thank you so much. Definitely. Full masala tha, full Bollywood masala tha, and we really like it. Chulbul Pandey ke sare dialogues achhe hain yaar. Okay. All good. 4 out of 5. Kuch to bolo. Kaisa laga picture? It was a nice movie. Seems like a big fan of Salman Khan. Actually, I've been watching Dabang since the very first movie. So I had really good high expectations from this one. So it was nice. कहा ये जा रहा है कि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फिल्म में सुदीप है, किच्चा सुदीप, उनकी एक्टिंग कैसे लगी? विलिंग इज कैरेक्टर में वो कैसे दिखे? He was nice. I liked him also. You liked? Yeah. His character, his expression, dialogue, everything. Yes. Okay. Very apt for that role. Okay. कोई एक्स फैक्टर बताना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको फिल्म का? I think the newcomer has done a very good job. बहुत अच्छी लगी. और भाई मतलब क्या बोले भाईजान, ऑलवेज रॉक अ दबंग पांडे जी. मज़ा आ गया देख के. एक्साइटमेंट क्या बताएं, क्या वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए भाई के लिए. जो सलमान खान के फैंस के लिए चाहिए वो मिला भाई. मतलब भाई जो फैंस को चाहिए वो भाई ने दिया और इतना ज़्यादा. और भाई क्या बोले, एक्साइटमेंट भाई की झलक सबसे अलग. कल भी देखेंगे, परसों देखेंगे, जब तक मूवी लगी रहेगी तब तक देखेंगे. दिल खुश कर दिया. दिल खुश कर दिया भाई जान. कई सालों की कसर जो है, मतलब 2 साल से वो जो चाहिए था सलमान खान की तरफ से मिला. जो फैंस को चाहिए वो भाई जान ने दिया. बहुत मजा आया, दिल खुश हो गया देख के. 5-10 एक्साइटेड था. एंड जब थिएटर से बाहर निकला तो ऑडियंस को बता देता हूँ एक्साइटमेंट और बढ़ गया है. बिकॉज सेकेंड हाफ दबंग 3 का 3 times एक्साइटिंग है, 3 times एंटरटेनिंग है, एंड 3 times एक्शन एंड पावर पैक परफॉर्मेंसेस है. You can go for just 2 people, Sudeep and Salman. जब वो स्क्रीन पर हैं तो लग रहा है थिएटर में कुछ हो रहा है. हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा लेंथी हो गया. जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनसे एक्टिंग बेटर हो सकता था, बट जब सलमान है, जब सुदीप है ऑन स्क्रीन, आपके पैसे वसूलने आप दूसरी बार भी आ सकते हो, क्योंकि सेकेंड हाफ माइंड ब्लोइंग है. तो सलमान खान फैंस हैं,
वो तो डेफिनेटली जाके देखें, बिकॉज इतने सारे आपको मोमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप शर्ट उतार के नाच भी सकते हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो या एक्शन हो, एक्शन सीक्वेंसेस हो. एंड जो सलमान खान फैंस नहीं भी हैं वो भी आ सकते हैं, बिकॉज सलमान खान एंड सुदीप, मैं बोल रहा हूँ सुदीप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टक्कर दी है सलमान को. हिज परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग, कहीं पे उन्होंने ढीला नहीं छोड़ा स्क्रीन पे. सो थम्स अप फॉर दबंग 3. ओके, कितने थम्स अप, कितने, 5 में से आई विल गिव 3.5. वो भी 1.5 इसलिए बिकॉज साइड कैरेक्टर्स दे कुड हैव डन मच बेटर, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग दे हैव डन, सो वो एलिमिनेट हो सकता था. बाकी एक्ट्रेसेस देवर क्वाइट अ गुड, दे हैव गिवन अ डिसेंट परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता था, बट यू कैन गो दबंग 3 ओनली फॉर सलमान एंड सुदीप. आप सेटिस्फाई हुए फिल्म देखने के बाद? 100% सेटिस्फाई हुए. आई थिंक मूवी का स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था एंड सलमान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी. ये बायस रिव्यू है? बायस नहीं है, नहीं नहीं, आपको जो बोलना है आप बोलिए, बट आई थिंक सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर एंड इट्स द बेस्ट मूवी फॉर द ईयर. It doesn't matter. Everything he's done it so well. And trust me, everyone's just come to see Salman Khan. Bhai, isko dislike karenge aur koi nahi. Kyunki wo bahut bade hater hai wo. Salman Khan ke bahut bade hater hai wo. Oh my god. Mumbai bol raha hai, kal Getty Galaxy mein bhi aata. Wo sare record tod degi. 110% tod diye. बहुत अच्छे से स्वागत किया भाईजान का, और भाईजान को जो स्वागत था सब लोग ने इतना प्रेज किया है. भाईजान की एंट्री हो, उनका एक्शन हो, या फिर उनका डांस, कुछ भी हो, सब लोग ने बहुत पसंद किया. और जो भाईजान की स्टाइल है चुलबुल पांडे, जो हम लोग को 2010 में मिली थी, हम लोग को देखने मिली आज. हम लोग बहुत सिक्स पैक्स ऐप भी देखे, हम लोग को भी बनाने भाई जैसे. हम लोग मेहनत कर रहे पर होता नहीं, पर भाई के लिए हम लोग करेंगे ही करेंगे, सिक्स पैक्स ला के दिखाएंगे. इस उम्र में भी वो लगते नहीं है कि वो उनकी उम्र, मतलब अभी जैसे वो उनकी उम्र है वैसे लगती नहीं है. वो फॉरएवर 27 है, 27 का बर्थडे है, सब लोग उसको उनको फॉरएवर 27 बोलते हैं. यू लाइक्ड इट अमेजिंग, क्लाइमैक्स वाज अमेजिंग. स्वागत तो करो हमारा.